हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे गाजर और ब्रोकली का बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पराठा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ब्रोकली और चार गाजर ले लिया है। इन सबको हमें बारीक कर लेना है, कद्दूकस पे या चॉपर में, जो भी इजीली हो कर लें उसको। तो यहाँ पे मैं चॉपर में इसको बारीक कर ली हूँ। देखिए, गैस पे एक पैन गरम करेंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और आधा छोटी चम्मच जीरा डाल करके इसको चटकने देंगे। देखिए, चटक गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन बारीक करके, और एक मिर्च को भी बारीक करके डाल लेंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप एक आध और डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को इसमें डाल दूंगी और इसका पानी ख़त्म होने तक इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाना है। देखिए, पानी थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। तब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच चाट मसाला और आधा छोटी चम्मच भुना जीरा का पाउडर, और यहाँ पे मैं एक छोटी चम्मच तिल डाल रही हूँ वाइट वाली, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे, और एक छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें, इसको एक आध मिनट तक पका लेंगे। बस देखिए, ये हो गया है। गैस ऑफ कर लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब मैं यहाँ पे एक चकला ले रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लूँगी, और यहाँ पे मैं एक रोटी का लोई ले रही हूँ। रोटी वाला आटा है फ्रेंड्स, नॉर्मल, थोड़ा सा उससे सॉफ्ट है। कभी भी हम पराठा बनाते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट आटे से ही बनाना चाहिए, नहीं तो फटने लगता है भरवा पराठा। तो एक देखिए, इसको बाउल की तरह बना लेंगे, और इसके बाद इसमें मैं 2-3 बड़े चम्मच इस मिश्रण को भर लूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसको अच्छे से पैक कर लें। देखिए इस तरीके से, अगर आटा हम लोग का हार्ड होगा तो पराठा फटने लगेगा। हमेशा हमें पराठा बिल्कुल सॉफ्ट आटे का बनाना चाहिए, और इसको दबा करके ऐसे देखिए पैक कर लें, और थोड़ा सा हाथों से ही बड़ा कर लें इसको। फिर हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। और गर्मा गर्म तवा पे हम इसको डालेंगे, और थोड़ा सा जब नीचे से सिक जाए तब हम इसको पलट लेंगे। देखिए, फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू स्लो है, तो यहाँ पे पराठा नीचे से फूलने लगा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड भी ग्रीस कर सकते हैं, बटर कुछ भी, चाहें तो बिना घी तेल के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो बिना घी का ही बनाएं। देखिए, ये फूल गया है बहुत बढ़िया से, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी ग्रीस कर ले रही हूँ मैं। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं घी ग्रीस कर ले रही हूँ, लेकिन आप अगर डाइट प्लान कर रहे हैं तो बिना घी के भी बनाएं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठा होता है फ्रेंड से। देखिए, इसको पलट पलट के दोनों तरफ सेक लेंगे और काफ़ी अच्छे से फूल जाता है पराठा। आप इसे ब्रेकफास्ट में, टिफिन में या बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये पराठा बनता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। बाय बाय।